हेलो, क्लास 12 के लिए लेसन है प्रोज में द होम कमिंग, आर्यन टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका हिंट है द बॉयज बिगेन से लेकर टेलिंग लाइज तक। इसका हिंदी में डिटेल समरी देखेंगे। The boys began to hew at the log with all their might. लड़के उस लट्ठे को सारी ताकत के साथ उठाने लगे। Calling out 1, 2, 3, go. और जोर जोर से बोलते हुए 1, 2, 3, go. जैसा कि खेल खेल में बच्चे बोलते हैं। At the word go, द लॉग वेंट, और तीन शब्द गो शब्द पर वह लट्ठा अपने स्थान से चल पड़ा। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड आल, और उसी लट्ठे के साथ माखन का दर्शन, उसका वैभव और सारी चीज़ें भी चल पड़ी, मोशन में आ गए। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विथ डिलाइट। सारे लड़के जो थे वो जोर जोर से आनंद के साथ बोलने लगे, चिल्लाने लगे, और ऐसा चिल्लाने लगे कि वो होर्स लगने लगा, भद्दा लगने लगा। बट फटिक अ लिटिल फ्राइटेंड, फटिक जो था वो थोड़ा डर गया। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वो जान रहा था कि अब क्या होने वाला है, कौन सा दुर्भाग्य आने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और माखन अपने स्थान पर से उठा, मदर अर्थ माता की गोद से उठा और चिल्लाते हुए, एंगर से, नाराजगी से चिल्लाते हुए ही रश्ड एट फटिक, फटिक की तरफ दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम, और उसके चेहरे पर पीटने लगा। किक्ड हिम, उसे लात मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और उसके बाद चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस प्रकार से ड्रामा का जो पहला एक्ट था वो समाप्त हुआ। फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड sat down on the edge of sunken barge. फटिक ने अपना चेहरा आंसू पोछे, चेहरे को साफ किया और वो बैठ गया उसी नाव पर, sunken barge, जो डूबी हुई अवस्था में नाव थी छोटी, उसके किनारे बैठ गया। On the river bank, नदी के किनारे, and began to chew a piece of grass, और वहीं से घास का एक टुकड़ा चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एजेड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क माउस्टेच स्टेप्ड शोर, और फिर उसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल भूरे थे, जिसके मूछें काली थीं, घनी थीं, वह नाव पर से उतरा। ही सा द बॉय सीटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने उस लड़के को देखा जो वहाँ बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, उन्होंने पूछा चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक अपने घास को वही चबाता रहा। एंड सेड, और उसने कहा, ओवर देयर, वहाँ रहते हैं। बट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन उसने कहाँ संकेत किया यह बताना काफ़ी मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं असंभव था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने दोबारा उससे पूछा।
ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज। वह जो लड़का था अपने पैरों को इधर उधर नाव पर पटकने लगा। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगा लो कहाँ रहते हैं। ही कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और उसने अपना घास चबाना जारी रखा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन उसी समय घर से एक नौकर आया और उसने कहा, एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और उसने बताया फटिक को कि माता जी बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस अकेजन, लेकिन वह नौकर एक मालिक की हैसियत से था। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरीड हिम, उसने फटिक को पकड़ा, रफली पकड़ा, बहुत अच्छी तरह से नहीं पकड़ा, बहुत भद्दे ढंग से पकड़ा, एंड कैरीड हिम, और उसे लेकर के गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इम्पोर्टेंट रेग, उसे लात से मारते हुए, पैर से ठोकर मारते हुए, बहुत ही नाराज़गी के साथ, शक्तिहीन नाराज़गी के साथ उसे घर लेकर के गया। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया, हिज मदर सा हिम, उसकी माता जी ने देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उन्होंने तेज़ी से कहा, नाराज़गी से कहा, सो यू हैव बीन हीटिंग माखन अगेन, कि तुम माखन को फिर पीट रहे थे। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने नाराज होते हुए कहा, नो आई हैव नॉट, हू टोल्ड यू, नहीं मैंने तो उसे नहीं पीटा, किसने बताया। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, माता जी ने चिल्लाते हुए कहा कि झूठ मत बोलो। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू आई हैव नॉट, मैं बताता हूँ कि मैंने नहीं पीटा। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लो। बट माखन, लेकिन माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन भी जो था वो अपने पहले वाली बात पर ही स्थिर रहा। ही सेड यस मदर, उसने कहा, हाँ माता जी। फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही तो मुझे मारा। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक तो पहले से ही परेशान था, वह उसका धैर्य जो था वो पहले से ही समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस, ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की तरफ भागा, दौड़ता हुआ आया, एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और उसकी बहुत पिटाई की, अपने मुट्ठी से प्रहार किया। टेक दैट, ही क्राइड, और उसने कहा, ये लो, उसने चिल्लाते हुए कहा, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोले, झूठ बोलने के लिए ये लो। थैंक यू।